Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study mephitis remedy. So ये final year की 5 marks के लिए पूछी जाने वाली remedy है and this is quite given for particular thing. मतलब acute remedies है. As we know कि final year में सिर्फ और सिर्फ acute prescription based remedy ही portion में दी गई है. Why it is given? Just because कि है ना, अगर आपके पास एक emergency case में अगर कोई patient आते हैं, then you should prescribe something to give quick relief to that patient, and then you will take case, give time to that patient. So this kind of remedy are very useful in the day-to-day clinic or in day-to-day practice in acute prescriptions. Yeah, and it is also helpful in the chronic prescriptions, but acute prescription के लिए mostly it is very helpful. So we'll learn about mephitis. So mephitis, what is mephitis? What the remedy is made up of? So made up from. ठीक है, तो mephitis remedy is made up from liquid contained in the anal gland of skunk or kunk. ठीक है, तो ये जो है ना animal है, I'll put his picture. In the last video lecture, I forgot to put the milkweed का picture, but here I'll put today. So it is made up from anal gland of skunk. मतलब liquid content, जो भी कोई liquid या फिर transparent सा fluid present रहता है उसके anal canal में, तो वो या उससे ये remedy बनाई जाती है, ठीक है? So ये remedy Herring ने prove की है, right? Then it was proved by Dr. Herring in 30th potency. It was proved in 30th potency. The medicine has limited sphere of action, especially on respiratory tract. ठीक है, तो respiratory system पे ही इसका sphere of action होता है. Then what are the complaints in the respiratory system that we have to study, that we have to focus, and whatever the PQRS symptoms in the respiratory system, that only we have to keep in mind so that हमें ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करने में इजी हो जाए. सो इट इज गिवन फॉर एस्थमा, ब्लाइंडनेस, लैरिंजाइटिस, वूफिंग कॉफ. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द लैरिंग्स. ओके, सो लैरिंग्स में लैरिंजाइटिस होता है. फाइन, देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड देयर इज पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, या फिर देयर इज कंटिन्यूअस पेन इन लैरिंग्स. देन आवाज चेंज होता है. लैरिंजाइटिस के बच्चों का कभी देखा है क्राई? बहुत ऐसे जैसे कुछ अटक गया है वहां पे, वैसे वाला उनका आवाज निकलता है रोते समय. देन ब्लाइंडनेस, एस्थमा एंड वूफिंग कॉफ. वूफिंग कॉफ द डॉग, हाउ द डॉग बार्क, वैसे उनका कॉफ आता है, राइट? देन लेट सी द गाइडिंग सिम्टम्स. फर्स्टली आई, pain in eyes from the over exertion, blurred vision, unable to distinguish letters, eyes hot and painful with redness of conjunctiva. जैसे हम लोग देखते हैं कि है ना, कभी भी infection आ जाता है, तो infection के time पे हमारा क्या होता है, तो eyes redness होता है, फिर itching होता है, pain होता है. ठीक है, कभी कभी है ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा भी दिखाई देता है हमें. So that all symptoms comes under the eye. It is mephitis may be prescribed for eye complaints, but it is usually not prescribed in eye complaints. But there is one thing कि है ना, ओवर एक्सर्शन की वजह से, अगर आईज के ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर ओवर स्ट्रेन की वजह से अगर किसी को ब्लाइंडनेस हो रहा है या फिर ब्लर विजन हो रहा है, दैट टाइम मेफाइटिस कैन एक्ट वंडरफुली और कैन बी गिवन. ठीक है, देन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज अ वैल्यूएबल रेमेडी इन द कॉफ ऑफ सर्टन टाइप, वूफिंग कॉफ एंड एस्थमा. ठीक है, तो है ना सर्टन टाइप ऑफ वूफिंग कॉफ, तो व्हाट टाइप ऑफ वूफिंग कॉफ इज देयर एंड इन एस्थमा व्हाट टाइप, तो कॉजेटिव फैक्टर्स याद में रखने हमें. तो रीडिंग अलाउड, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कि ठसका लगता है या फिर कुछ अटक गया तो है ना हम लोग कॉफ करते, कुछ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गलती से कुछ सब्सटेंस चला जाए, खाते समय या फिर बात करते समय हमारी सलाइवा भी चला जाए, दैट टाइम ऑल्सो वी स्टार्ट कॉफिंग. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉफ या फिर दैट टाइप ऑफ कॉफ इज कॉज्ड इन मेफाइटिस. सो
कॉफ बॉट बाय रीडिंग अलाउड टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग. अभी मैं बात कर रही हूँ और मुझे अचानक से ना खांसी आने लगी. सो वो खांसी मेरी कंटिन्यू रह गई एक दो दिन, तीन दिन के लिए, एक दो दिन के लिए, ठीक है. देन आई कैन टेक माई 5 to 30, फाइन. देन सेंसेशंस, कॉफ में क्या सेंसेशन होते हैं, अस्थमा में क्या सेंसेशन होते हैं, देयर सफोकेटिव फीलिंग. मतलब सफोकेटिव फीलिंग मतलब है ना, बहुत ज्यादा ऐसा चोक्ड फीलिंग उनमें रहती है, सफोकेशन रहता है. मतलब इनहेल भी करने ठीक से नहीं आ रहा और एक्सहेल भी करने ठीक से नहीं आ रहा, और अगर इनहेल आ रहा है तो एक्सहेल नहीं आ रहा, और ऐसे लग रहा है कि ओ कोई तो दबा रहा है हमारा गला. तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज प्रेजेंट इन द मेफाइटिस. कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ कॉफ, देयर इज स्पैस्मोडिक एंड वूफिंग कॉफ. ठीक है, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज स्पैस्मोडिक एंड वूफिंग कॉफ. फ्यू पैरेक्सिज्म्स इन डे टाइम बट मेनी एट नाइट, मीन्स देयर इज नाइट एग्रीवेशन टू दिस कॉफ. विथ वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग, मतलब कॉफ इंड्यूस वॉमिटिंग प्रेजेंट इन दिस. चाइल्ड मस्ट बी रेज्ड अप, गेट ब्लू इन फेस, कैनॉट एक्सहेल. ठीक है, क्योंकि ये रेमेडी में चोक फीलिंग है ना, तो एक्सहेल नहीं हो पाता. मतलब कुछ ऐसे अटक जा रहा है, अटक रहा है गले में कि वो बाहर भी नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज द पेशेंट विल यूज, या फिर मदर ऑफ दैट चाइल्ड विल यूज, कि है ना मेरा बच्चा कुछ खा रहा है तो है ना, वो खाना तो ठीक से खा रहा है लेकिन है ना खाने के बाद वो उल्टी कर रहा है, और वो है ना रात को नींद से ऐसे जग के उठ रहा है कि है ना वो ऐसे काला नीला सा हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो अंदर ऐसे खींच रहा है तो उसको, और वो है ना छोड़ नहीं रहा ब्रेथ, और उसको है ना कैसे तभी हो रहा है, मतलब ले भी नहीं पा रहा और छोड़ भी नहीं पा रहा. दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज प्रेजेंट. ठीक है, देन सफोकेटिव फीलिंग, एस्थमेटिक पैराक्सिज्म्स, स्पैस्मोडिक कॉफ. कॉफ इज सो वायलेंट, सीम्स एज इफ ईच स्पेल वुड टर्मिनेट लाइफ. मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब इतना जोर से उसको कॉफ आता है, इतना अंदर से डीपली कॉफ आता है कि उसका है ना ऐसे लगता है कि अभी उसकी जान चली जाएगी, ऐसे उसको लगता है. ठीक है, उसके मॉम को लगता है, फाइन. देन मोडालिटीज, नाउ मोडालिटीज, एग्रीवेशन एट नाइट, देन नाइट से वो जग के उठता है विद साइनोटिक फेस, सो लाइंग डाउन भी एग्रीवेशन रहेगा. देन टॉकिंग, ड्रिंकिंग, देन यहां पे है ना रीडिंग, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग. सो ये सारे एग्रीवेशन में पुट करोगे आप लोग. एग्रीवेशन पता है, अगर लाइंग डाउन एग्रीवेशन है तो ऑब्वियसली बैठ के एमोलरेट होगा. सो एमोलरेशन बाय रेस्ट एंड बाय मोशन. ठीक है, कनकॉमिटेंट, ये चीज जो है ना, ये कनकॉमिटेंट, अगर जिस रेमेडी को कनकॉमिटेंट दी जाती है ना, तो वो रेमेडी का कनकॉमिटेंट आता ही आता है एग्जाम में. ठीक है, अगर ये रेमेडी पूछी तो यू हैव टू राइट दिस so that you will get good marks. ठीक है, अगर 5 है then you will get 4 या फिर 3, max तो 3 and 3.5 ही देते हैं, not 4, but if you want 4 marks या फिर 3 marks, 3.5 marks, then you have to write this concomitant. So concomitant क्या है, patient wants to bathe in ice cold water या फिर bath in ice cold water, this is more important. ठीक है, ice cold water में bath करना उनको लगता है. तो compare with drosera, तो ड्रॉसेरा का कॉफ वूफिंग कॉफ है, दैट इज 100 डेज कॉफ, रैटलिंग टाइप ऑफ साउंड है ड्रॉसेरा में. सो कंपेयर दिस रेमेडी विद ड्रॉसेरा एंड यू नो यू कैन मैच अप एंड यू कैन गिव अप विद द टू द पेशेंट, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रेमेडी, एंड इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू.